दोस्तों मान लीजिए आपके आसपास का सारा सरकारी सिस्टम फेल हो चुका है और माफियाओं ने आपको दो ऑप्शंस दिए हैं। पहला ऑप्शन है पैसे लो और मुंह बंद रखो, और दूसरा ऑप्शन है कि आपका मुंह हम गोली से खुद बंद कर देंगे। हम में से 99% अपना मुंह बंद कर लेंगे, चाहे पैसे लें या ना लें, पर सिर्फ 1% ही होंगे ऐसे जो आवाज उठाएंगे और अपना मुंह बंद नहीं करेंगे। शायद इसी वजह से सुशांत को भी स्टनगन झेलनी पड़ी होगी। दोस्तों कई लोगों ने पैसे लेकर मजे से अपनी लाइफ शुरू कर दी है, आए दिन नए नए पिक्स दिखते हैं सोशल मीडिया पर। कभी ये एम्बुलेंस ड्राइवर मस्त नई गाड़ी लेता हुआ दिखता है, कभी सिद्धार्थ पिठानी अपने एंगेजमेंट की फोटोज डालता हुआ एंजॉय करता हुआ दिखता है, कभी सैमुअल की शादी की फोटो सोशल मीडिया पर दिखती है। ओवरऑल सारे लोग अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, पर आज भी हम और आप जैसे लाखों करोड़ों लोग बस यही सोचते रहते हैं कि आखिर 13 जून की रात को क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा और क्यों हुआ होगा, सुशांत ने क्या कुछ झेला होगा। जवाब तो कई सारे मिले, पर रियलिटी के कितने करीब हैं वो पता नहीं है। देश की बड़ी से बड़ी एजेंसीज, देश के बड़े से बड़े कोर्ट्स, देश के बड़े से बड़े नेता कुछ क्रिमिनल्स के सामने अपाहिज नजर आते हैं। एक साल से हम देखते ही आ रहे हैं कि इन माफियाओं को इतना बड़ा बनाया गया कि पूरे देश के सिस्टम को ताक पर रखकर ये अपने सारे कुकर्मों को अंजाम देते हैं। ऐसा सिस्टम ही बनाया गया है कि सिर्फ आम जनता को इस सिस्टम से डराया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, बोलने से रोका जा सके और इन माफियाओं और उनके बिगड़ैल बेटों को ऐश मौज की जिंदगी दी जा सके, जिससे वो हमेशा यही सब करते रहें और हमें अपने पांव की धूल समझते रहें। आज इस सिस्टम में बदलाव आ रहा है क्योंकि हम सब ने ऐसी सरकार चुनी है जो हमारी बात सुनती है, चाहे लेट ही क्यों ना हो, पर वो देखती है कि जनता क्या चाहती है। और आज उसी चुनी हुई सरकार को हटाने के लिए कई सारे नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है कि ये निकम्मी सरकार है, पर हमें कंपेयर करके देखना होगा कि ये सरकार हमारी बात सुनती है या माफियाओं की बात सुनती है, ये सरकार अच्छी सोच से काम कर रही है या सिर्फ माफियाओं वाली सरकार है ये। फिर हमें डिसाइड करना होगा कि कौन दिला सकता है इंसाफ, वो जिसने कुछ लोगों को मुंह बंद करने के लिए पैसे दिए या फिर वो जिसने एजेंसीज को फ्री हैंड दे रखा है कि मेन कल्प्रिट्स तक पहुंचिए। लोग कहेंगे कि बायस्ड हो तुम, तो क्या चाहते हो, माफियाओं वाली सरकार के साथ खड़े हो जाएं? वो तो सुसाइड सुसाइड बोलकर बचाती आ रही है सारे मर्डरर्स को। बहुत हो गया आदर सम्मान, महाराष्ट्र वाले चाचा और उनके पुत्र की कब्र खोदनी है और सुशांत के एक एक अपराधी से भी बदला लेना है। पापी तो अरेस्ट हो चुका है, अब हम जल्द से जल्द ताई को भी सलाखों के पीछे देखना चाहते हैं।